अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में बुधवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 19 दिसंबर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद दिवस के अवसर पर सामाजिक समरसता छात्र छात्रा सम्मेलन आयोजित हुई। सम्मेलन में वक्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अमर शहीदों के जीवन पर विचार व्यक्त किए। देश के महापुरुषों के त्याग और बलिदान को याद रखते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख श्री हरि मौरीकर, विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉ. राज शरण शाही, प्रोफेसर उमाश्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह राणा, संयोजक अनूप कुमार भारती, सह संयोजक हर्षवर्धन सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्रा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य वक्ता श्री हरि बोरीकर ने कहा, की तमन्ना देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना प्रेरित कर देगा, तो कहीं ना कहीं भारत को हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे डर अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद, लेकिन फिर भी अंग्रेज थर्रा जाती थी। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के गुरु, चंद्रशेखर आजाद जी को देखकर इन सारे युवाओं ने प्रेरणा ली। स्वातंत्र वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद जी, और ध्यान में आता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने धीरे धीरे लोगों का, अच्छे युवाओं का, देशभक्त युवाओं का समूचे इकट्ठा कर, ऐसे सारे नौजवानों को इकट्ठा करने का प्रयास राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया और कई सैकड़ों युवाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। गर्म जोशी का एक ग्रुप था जिसको गुप्त समिति कहा जाता था, जो सार्वजनिक ग्रुप में तो घूमता था लेकिन कहीं ना कहीं सरके नहीं चलेगा, लातों के भूत जैसे बातों से नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं बंदूक से, बंदूक का जवाब बंदूक से देना पड़े। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जगह जगह घूमते थे, पता करते थे कहां हथियार मिलते हैं। धन भारत की जनता का है, भारत का धन है, और इसको यदि हम लूटते हैं तो वो अपने मन के तहत यह गुनाह नहीं होगा, हम अपने आप को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो धन हमने लूटा वो भारत का ही धन था, और इसलिए योजना बनी कि ये जो धन है इसको लूटना चाहिए, और काकोरी कांड के योजना बनाई गई जिसके तहत हेलो ट्रेन को लूटा गया, जो असला पैसा सब कुछ मिला उसमें से हथियारों की खरीद की गई और उससे आगे क्रांतिकारी आगे बढ़ा, लेकिन सब जगह पर कोई ना कोई गद्दार जैसे निकलते हैं, तो इस पूरे घटना में भी कोई ना कोई गद्दार निकला जिसने अंग्रेजों को खबर दी कि इसमें ये सारे लोग अभियुक्त थे, उसके तहत सभी लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद जी उसमें से बच गए लेकिन बाकी सभी लोग धरे गए, सबको फांसी की सजा सुनाई गई। इसी गोरखपुर के जेल में अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक दूसरे के सामने अलग अलग बैरक में जब खड़े होते हैं, दोनों के दोनों लोहे के सलाखों के पीछे खड़े हैं, अशफाक उल्ला खान के आंखों में आंसू देखकर पंडित जी उसको पूछते कि अशफाक, अरे तुमको देखकर तो अंग्रेज डर जाते थे, तुम्हारे आंखों में आंसू कहां से आ गए। अशफाक उल्ला खान कहते हैं कि पंडित जी ये आंखें मुझे, मेरी फांसी हो रही, इस गम में आंसू नहीं है, लेकिन जो सपना देखा था कि अपने जीवन में देश को आजाद कर कर हम छोड़ेंगे, देश को आजाद हुए हम देखेंगे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इस सपने को हम पूरा होते नहीं देख पाएंगे। इतिहास में हमारा नाम कैसे होगा कि उन्होंने हमको देश को आजादी दिलाई, लेकिन इस देश की आजादी में हम शायद कहीं ना कहीं आधा अधूरा काम छोड़कर जा रहे हैं, इस बात की मन में व्यथा हो रही है। और पंडित जी आप तो बार बार कहते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे
कि मैं तो 100 बार जन्म लेना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं 100 बार जन्म लेना चाहता हूँ, देश की इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए 100 बार मैं जन्म लेना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ 100 बार भी जन्म लेने के बाद में मातृभूमि की सेवा का अवसर भी मुझे उसमें मिलना चाहिए। भले मुझे 100 बार जन्म मिल जाए लेकिन मातृभूमि का सेवा का अवसर मुझे मिलना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, काकोरी कांड के तहत इन सारे शहीदों को जो फांसी की सजा आज ही के दिन दी गई थी, उन सारे शहादत को याद करते हुए देश की युवा शक्ति को इन सारे शहीदों के बारे में स्मरण दिलाना, उनके किए हुए कार्यों के बारे में प्रेरित करते हुए आज देश के लिए युवा क्या कर सकता है, ऐसी ऊर्जा प्रेरणा देश के युवाओं को पैदा करने के लिए आज देश भर में विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। विरोधा आज यहाँ जो बड़ा सम्मेलन किया गया, मैं गोरखपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, जो उन शहीदों को और आज की युवा पीढ़ी को जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण काम जो विद्यार्थी परिषद ने यहाँ किया है, उसके लिए सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और विश्वविद्यालय प्रशासन का विशेष करके अभिनंदन कि जिन्होंने ऐसे आयोजन के लिए इतना बड़ा स्थान और इतना उपयुक्त माहौल एक प्रदान किया। विश्वविद्यालय को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से देशभक्ति के माहौल और शहीदों को याद करने के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। विद्यार्थी परिषद लगातार कॉलेज कैंपसेस में मेंबरशिप है या प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है विद्यार्थी परिषद के साथ। इन सब कार्यक्रमों द्वारा जो जुड़ेगा वो विद्यार्थी परिषद सदस्य जरूर बन जाएगा।